नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में और मैं हूं ब्रजेंद्र। दोस्तों, यूपीपीएससी 2017 का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है यूपीपीएससी लोक सेवा आयोग की तरफ से। पूरी अपडेट क्या है देख लेते हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए हमारी ऑफिशियल साइट governmentjobcenter.com पे आ जाना है। गूगल पे डालेंगे governmentjobcenter.com तो हमारी ऑफिशियल साइट का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं रिजल्ट के सेक्शन में सबसे ऊपर दिया गया है यूपीपीएससी 2017 फाइनल रिजल्ट 2019। इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा, यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं। आपको बता दें, इसका जो मेंस का रिजल्ट का डेट था वो 7 सितंबर 2019 को डिक्लेयर किया गया था और इसके लिए इंटरव्यू 16 सितंबर से 1 अक्टूबर 2019 के बीच आयोजित किए गए थे और आज 10 अक्टूबर को इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिया गया डाउनलोड फाइनल रिजल्ट, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपको पास पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी। पूरी पीडीएफ फाइल, उसमें रोल नंबर और नाम के अनुसार आप लोग सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा रिजल्ट की नोटिस डाउनलोड करना है तो नीचे लिंक दिया गया, दूसरे लिंक को क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आप रिजल्ट की पूरी नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको डाउनलोड कर लिया है तो चलिए दिखाते हैं आपको पूरी नोटिस। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 अक्टूबर 2019 के लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। यहाँ पर बताया गया है कि यूपीपीएससी 2017 के अंतर्गत जो फाइनल रिजल्ट जारी हुआ है उसमें 676 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन अंतिम रूप से हुआ है, ठीक है। आप लोगों की सूचना के लिए ये जो पूरी पीडीएफ फाइल है वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ लोक सेवा आयोग के सूचना पट पर भी उपलब्ध है। यहाँ पर बताया गया है कि जो रिजल्ट है उसमें जिन अभ्यर्थियों के सामने PROV यानी प्रोविजनल शब्द अंकित है सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, बाकी रिजल्ट सभी अभ्यर्थियों का जारी किया गया है जो जो इंटरव्यू दिए हैं, ठीक है। तो पीडीएफ फाइल में आपको सभी कैंडिडेट के नाम मिल जाएंगे लेकिन आपको उसके सामने PROV शब्द देखना है, छपा है कि नहीं छपा है। अगर छपा है तभी आपका चयन हुआ है। तो जो लोगों का अंतिम चयन हुआ है, ठीक है, वो लोग अभी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कराएंगे, उसके बाद ही उनका रिजल्ट जो है जो चयन है फाइनल होगा। यहाँ पर बताया गया है कि इसके प्राप्तांक श्रेणीवार कटाव पदवार कटाव ये सूचनाएं शीघ्र ही वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। इस आशय की सूचना आपको समाचार पत्रों में मिल जाएगी और इसके अंतर्गत किसी भी तरीके से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कोई भी जानकारी आपको नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ होगी। आपको मैं रिजल्ट दिखा देता हूँ जिन जिन अभ्यर्थियों का यहाँ पर चयन हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों, ये फाइनल रिजल्ट है, आप लोग देख पा रहे हैं कंबाइंड स्टेट अपर सबॉर्डिनेट सर्विस एग्जाम 2017 लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे पूरा पोस्ट वाइज रिजल्ट दिया गया। पहला जो पोस्ट है यहाँ पर डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट है, रोल नंबर भी मिल जाएगा, नेम भी मिल जाएगा, कैटेगरी भी मिल जाएगी, रिमार्क्स भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे PROV जिसके सामने लिखा है उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आगे का स्टेप करने के लिए जाना है, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर पोस्ट वाइज दूसरी पोस्ट का रिजल्ट दिया गया है। तो यहाँ पर आपको PROV यहाँ पर देखना है, इन्हीं का अंतिम रूप से चयन हुआ है। सबके सामने यहाँ पर PROV देखने को यानी प्रोविजनल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप पूरा रिजल्ट चेक कर सकते हैं और आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा। कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह का अथेंटिक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।